तो वहीं इजराइल ने सेना के दो अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। ये गाजा में एक फूड चैरिटी के काफिले पर हवाई हमले में शामिल इकाई का हिस्सा थे, जिन पर कार्रवाई हुई है और उनमें ब्रिगेड फायर सपोर्ट कमांडर और ब्रिगेड चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त कमांडरों को भी इस हवाई हमले के लिए फटकार लगाई गई है। ये कार्रवाई उस घटना की जांच के बाद हुई। 2 अप्रैल को हुई इजरायली एयर स्ट्राइक में 7 राहत कर्मियों की मौत हो गई थी। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी के बाद इजरायल के तेवर अब नरम पड़ गए हैं।